फिल्म निर्माता और निर्देशक प्रकाश झा के लिए अच्छी खबर है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी फिल्म पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया है, यानी शुक्रवार को फिल्म रिलीज होगी। राजेश मिश नाम के एक निर्माता ने आरोप लगाया था कि फिल्म के टाइटल का राइट उनके पास है। जब इस बारे में फिल्म और टीवी प्रोड्यूसर्स काउंसिल से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि राजेश मिश्रा का रजिस्ट्रेशन लैप्स हो चुका है, इसलिए प्रकाश झा ये नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। 1990 में आई फिल्म दिल के डायरेक्टर इंद्र कुमार फिल्म का सीक्वल बनाने की तैयारी में है। ओरिजिनल फिल्म में आमिर खान और माधुरी दीक्षित की जोड़ी दिखाई दी थी। निर्देशक इंद्र कुमार के मुताबिक इस फिल्म के सीक्वल में नई जोड़ी दिखेगी। फिल्म के खास गाने पर थिरकने के लिए माधुरी दीक्षित को मनाया जाएगा। 33 साल के बाद एक बार फिर ऋषि कपूर डायरेक्टर सुभाष घई की फिल्म में किसी गाने पर थिरकेंगे। दरअसल इन दिनों घई की फिल्म कांची में ऋषि कपूर के डांसिंग सॉन्ग की शूटिंग चल रही है। इस गाने को कोरियोग्राफ किया है मशहूर कोरियोग्राफर गणेश आचार्य ने। फिल्म कांची इस साल 6 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। मुंबई में एक मैगजीन का लॉन्च करने पहुंचे सुपरस्टार फरहान अख्तर। दरअसल इस मैगजीन की चौथी वर्षगांठ के पहले इशू को लॉन्च किया जाना था, जिसका शुभारंभ फरहान अख्तर ने किया। दिलचस्प बात यह कि इस मैगजीन के कवर पेज पर फरहान को मोस्ट स्टाइलिश मैन का टाइटल दिया गया है। इस मौके पर फरहान फिल्म भाग मिल्खा भाग के गाने पर फिरके भी। ऋतिक रोशन और कैटरीना कैफ की फिल्म बैंग बैंग की रिलीज डेट 1 मई 2014 से बढ़कर अब 2 अक्टूबर हो गई है। जो लड़की मुझे अच्छी लगी। सूत्रों की माने तो इस तारीख के दौरान गांधी जयंती और दशहरा की 4 दिन की छुट्टी होगी, जिसको देखते हुए 2 अक्टूबर को फिल्म रिलीज की जाएगी। बैंग बैंग हॉलीवुड फिल्म नाइट एंड डे का रीमेक है। इमरान खान अब एक गुजराती किरदार में नजर आएंगे। फिल्म लुटेरा के बाद निर्देशक आदित्य मोटवानी भवानी जोशी इस टाइटल के नाम से एक सुपर हीरो फिल्म बना रहे हैं। फिल्म में दूसरे कलाकारों के नामों की आधिकारिक पुष्टि होने बाकी, जबकि इस फिल्म की शूटिंग अक्टूबर में शुरू हो जाएगी। बुधवार को पटना में डायरेक्टर अभिनव कश्यप अपनी फिल्म बेशर्म के प्रमोशन के लिए मीडिया से मुखातिब हुए। दिलचस्प बात यह कि इससे पहले फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर के प्रमोशन की शुरुआत भी अनुराग कश्यप ने पटना से ही की थी। दबंग 2 के बाद अभिनव की दूसरी फिल्म है जिसमें रणबीर कपूर मुख्य किरदार में होंगे। ऋतिक रोशन 6 सितंबर को अपने पापा राकेश रोशन के 64वें जन्मदिन पर एक ग्रैंड पार्टी की तैयारी में है। इस पार्टी में राकेश के उन सभी दोस्तों को इन्वाइट किया जाएगा जिन्होंने उनके साथ काम किया है।